Himalaya Quista Pro has superior protein whey. The healthy way to fitness. यहाँ इतनी अच्छी खूबसूरती, इतनी महक भाई साहब, नेचुरल चीजें, मधुमक्खी की हो ललकारती हुई उड़ती हुई हमने देखा, बहुत खूबसूरत। अमृत उद्यान आम जनता के लिए खोल दिया गया है। इस वक्त हम उसके ठीक बाहर मौजूद हैं और तमाम लोग उसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पहले इसका नाम मुगल गार्डन हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के भीतर है तो उसका जो शाही अंदाज है उसके लिए लोग दीवाने हैं और हर साल यहाँ इतनी भीड़ लगती है, लेकिन नाम बदलने के बाद पहली बार जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बाकायदा गेट के बाहर आप देख सकते हैं किस तरह से बोर्ड लगाया गया है, उद्यान उत्सव उसका नाम दिया गया है, और तमाम लोग जो पहले भी आए होंगे वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, इस बोर्ड के पास सेल्फी ले रहे हैं और क्या है कुछ उनका एक्सपीरियंस है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप अंदर से होकर आ गए? नहीं, अभी जाएंगे। अभी जा रहे हैं जी। तो कितना एक्साइटेड हैं, क्या कुछ सोच कर आए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और नाम परिवर्तन होने से और अच्छा लग रहा है। और लग गया तो अच्छा हो गया। बहुत अच्छा हो गया, जो गुलामी की निशानी थी वो ख़त्म हो गई, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रोड हैं वो ख़त्म होने चाहिए उनके नाम। और हम चाह रहे हैं कि जो देशभक्त हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दी है उनके नाम पर यहाँ की सड़कें हों। दिल्ली अभी भी ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी शहर हो कोई, हम चाहते हैं ये हिंदुस्तानी बने। आप पहले कभी आए? नहीं, पहली बार आए। कहाँ से आए? मेरठ से। मेरठ से आए जी। तो क्या नाम बदलने का इंतजार कर रहे थे आप? हाँ बिल्कुल, शायद इसलिए इंतजार कर रहे थे। और पहली बार आए हैं। कौन कौन आया है? फैमिली आई है, बेटी है, वाइफ है। हेलो, तमाम लोग हैं। आप सर अंदर से होके आ गए, जा रहे हैं अभी? मैं अंदर से होके आ गया। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा है इस बार? बहुत अच्छा लगा घूम के। मैं सेकेंड बार आया हूँ मैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा देखे अंदर में। तो जब पहली बार आए थे तब से अब क्या अलग दिख रहा है? पहली बार जब आया था और अब में थोड़ा अंतर लग रहा है, काफ़ी अंदर सजावट वजावट काफ़ी अच्छी है। और अच्छे जी, हाँ फ्लावर सब अच्छे हैं अंदर। कौन सी लगी आपको? वो अंदर में जो मेन जो भवन था ना, जो मुगल गार्डन मेन जो गार्डन था वो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ आता। कौन है आपके साथ? हाँ मम्मी है, वाइफ है, छोटे बच्चे हैं मेरे साथ। तुम्हें कैसा लगा? मुझको मज़ा आया। मज़ा आया, क्या क्या देखा? सनफ्लावर, रोज, और क्या देखा बताओ? फिर से आओगे? फिर से? यस, बोलो यस। आप ओके आ गए अंदर से? कैसा एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से आए आप? मैं अयोध्या से आया हूँ, और जब मुझे कल पता चला शाम को कि ये मुगल गार्डन चेंज होके अमृत उद्यान हो गया, तो मैंने कहा चलिए घूम के आते हैं। और फिर वहाँ से घूमने आए, यहाँ इतनी अच्छी खूबसूरती, इतनी महक भाई साहब, नेचुरल चीज़ें, मधुमक्खी की हो ललकारती हुई उड़ती हुई हमने देखा, बहुत खूबसूरत एकदम। अब पूछो मत, बहुत मैं खुश हूँ। और ये सब देखें क्या, क्या? पहले आप आए थे कभी? नहीं नहीं, मुगल गार्डन नाम था तो नहीं आया, लेकिन अब अमृत चेंज हुआ तब मैं आया। नाम बदला? हाँ, नहीं तो मैं तो जानता था, वहाँ बहुत वैरायटी के फूल हैं, लेकिन कभी आया नहीं। अभी बहुत यहाँ माहौल अच्छा है, लोग अच्छे हैं और सब आ रहे हैं, और फूलों की खुशबू। रजिस्ट्रेशन एंट्री सब कुछ स्मूथ रहा, कोई दिक्कत? एकदम बहुत बकायदा, कोई दिक्कत नहीं। आप घर से भी कर सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है अपना डाउनलोड करिए और अपना वो लगाइए, यहाँ पे दो मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अंदर जाइए। मैं राजस्थान से हूँ, वैसे दिल्ली में है अपना। होकर आ गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया था, बहुत अच्छे फ्लावर थे, मतलब फूल वूल की वैरायटी ज़्यादा थी, गुलाब। फर्स्ट टाइम हम भी आए थे यहाँ पे, हाँ वो भी प्लान है, अचानक बन गया था यहीं पे दोस्तों के साथ, तो इसलिए और बढ़िया। तमाम लोग हैं, खुश दिखाई पड़ रहे हैं, और खुश इसलिए ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि नाम बदल दिया गया है। पहले मुगल गार्डन नाम था, अब अमृत उद्यान हो गया है, उसका क्रेज़ भी लोगों को देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाऊँ अंदर की तरफ और बताता जाऊँ कि क्या कुछ खासियत है। 15 एकड़ में ये पूरा अमृत उद्यान फैला हुआ है, और इसके अंदर 138 तरह के गुलाब हैं, 10,000 से ज़्यादा ट्यूलिप बल्ब हैं, और 70 अलग अलग प्रजातियों के लगभग 5,000 मौसमी फूल हैं। सबसे पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस उस समय के मुगल गार्डन को आम जनता के लिए खोला था, और तब से लेकर आज तक हर साल की ये परंपरा चली आ रही है, और इस बार ये और भी खास परंपरा इस लिहाज से हो गई क्योंकि इसका नाम
बदल दिया गया और जिसको लेकर लोगों में बहुत क्रेज देखने को मिल रहा है। लोग ना सिर्फ अकेले बल्कि परिवार के साथ आ रहे हैं और दूर दूर से यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।